जो कि सन 1948 में भारत में आज़ादी के समय एक डॉलर की कीमत एक रुपए के बराबर ही हुआ करती थी। एक डॉलर की कीमत एक रुपए के बराबर दोस्तों। तो अभी तक जितने भी इसमें बदलाव हुए हैं और किस किस टाइप से यह कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चलिए जानते हैं। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब भारत में एक डॉलर की कीमत एक रुपए के बराबर होती थी, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन का राज था। भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं था, लेकिन भारत को आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक अपनी स्थिति सुधारने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता थी। भारत ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए सन 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं को चालू करने का सन 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं को चालू किया। पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक सही बनाने के लिए और सही कार्य करने के लिए भारत को पैसों की बहुत आवश्यकता थी। इसलिए भारत ने सन 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, भारत में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की पॉलिसी लागू की गई। इस नियम के अनुसार डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत को तय करना सरकार के हाथों में होता था। अब हम यह जानते हैं कि ऐसा नियम निकाल ही क्यों रहे थे जिसमें डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत को कम करना पड़ रहा था और उसका हक सरकार को दे रहे थे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, और उसका यह कारण है कि फॉरेन रिजर्व। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कोई भी फॉरेन में बैठा हुआ इंसान, बिजनेसमैन या विदेश की सरकार हमारे देश से सामान लेना, वस्तुएं लेना, चीज़ें को लेना तभी पसंद करेगी जब हमारे देश में वस्तुएं सस्ती मिलेगी। जैसे वह डॉलर से हमारे देश से कुछ सामान लेता है तो उसे कम डॉलर में ज़्यादा वस्तुएं मिल जाएगी, क्योंकि हमारी डॉलर के मुकाबले हमारे इंडियन रुपीज़ की कीमत कम होगी। इसीलिए इंडियन रुपीज़ की कीमत को कम किया गया। पर सरकार ने सबसे पहले यह सोच के यह नियम बनाया था कि सिर्फ एक बार डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत को कम करना पड़ेगा और इसी के माध्यम से हमेशा यह व्यापार और फॉरेन रिजर्व चलता रहेगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, फॉरेन रिजर्व घटता गया और बार बार इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को कम करना पड़ा। तो चलिए बताते हैं कि कब कब फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को बार बार कम करना पड़ा और कैसे इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बहुत कम हो गई। सन 1962 और सन 1965 की जंग के बाद देश की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी। पूरे देश की स्थिति इस प्रकार की गंभीर हो गई थी कि इसे सुधारना बहुत ज़रूरी था, जिससे भारत सरकार को फिर से अपने रुपए की कीमत को डीवैल्यू करना पड़ा और इसी के चलते एक डॉलर की कीमत 7 रुपये के आसपास पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार चलते चलते सन 1971 में इंडियन रुपीज़ का लिंक ब्रिटिश पाउंड से तोड़ दिया गया, हटा दिया गया और सीधे इसका लिंक जोड़ दिया गया डॉलर से। अब सीधा डॉलर और रुपीज़ का संबंध हो गया। तो इसी के चलते सन 1975 तक इंडियन रुपीज़ की वैल्यू 8 रुपये 39 पैसे तक गिर चुकी थी और एक रुपये की और सन 1985 आते आते एक डॉलर की कीमत 12 रुपये तक पहुँच चुकी थी। तो सरकार को देश का विकास करना था, पर देश का विकास तो कहीं दूर गया। सरकार अपनी ही हालत संभालने में बहुत गंभीर परिस्थिति में पहुँच चुकी थी, इसीलिए उसने फिर से अपने रुपीज़ की वैल्यू को कम किया। फॉरेन रिजर्व को फिर से बढ़ाने के लिए सरकार ने इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को फिर कम किया और इस समय एक डॉलर की कीमत 17 रुपये 90 पैसे तक पहुंच चुकी थी। इंडियन रुपीज़ की इतनी घटती वैल्यू के कारण और डॉलर की बढ़ती इतनी वैल्यू के कारण सरकार बहुत परेशान रहने लगी। सरकार ने सोचा कि अब क्या किया जाए जिससे इसको स्टेबल, डॉलर के बढ़ते रेट को स्टेबल किया जाए। तो सन 1993 में सरकार ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हटाकर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को लागू किया। अब इस नियम के अनुसार यह होता था कि अब डॉलर के मुकाबले रुपीज़ की वैल्यू भारत सरकार नहीं बल्कि बाजार तय करेगा। पर यह भी सरकार के लिए एक हानि की बात हो गई, इससे भी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते एक डॉलर की वैल्यू, एक डॉलर की कीमत 31 रुपये 37 पैसे तक पहुंच गई और इससे कोई सिस्टम से भी कोई फ़ायदा ना होते हुए और महंगाई बढ़ते हुए सन 2010 आते आते एक डॉलर की कीमत 45 रुपये तक भी पार कर चुकी थी। यह एक बहुत दुखदायिनी और गंभीर बात हो चुकी थी और इसी के चलते सन 2013 तक आते आते एक डॉलर की कीमत 62 रुपये तक पहुंच चुकी है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए, अपने देश की करने के लिए इंडियन वैल्यू को कम किया गया और आज 2018 में एक डॉलर की कीमत, डॉलर की वैल्यू इतनी ज़्यादा होने का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है फॉरेन रिजर्व।
सिर्फ यह जितनी भी वैल्यूएशन घटाई या बढ़ाई गई है यह सिर्फ फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए की गई थी। स्थिति बहुत अच्छी रहती है, फॉरेन रिजर्व यदि कम होता है तो देश की स्थिति गंभीर होते जाती है, इसीलिए फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को इतना कम कर दिया गया है। भी भारत सरकार ने फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए इंडियन रुपीज़ की वैल्यूएशन को कम किया था तो हमेशा हमें घाटा ही हुआ, कभी फ़ायदा नहीं हुआ, और घाटा होते होते आज ये मुकाम आ चुका है कि एक डॉलर की कीमत 74 रुपये, 73 रुपये, 72 रुपये तक पहुँच गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इतिहास था डॉलर और इंडियन रुपीज़ के बीच का। सबसे पहले डॉलर 1 रुपये के बराबर ही होता था, 1 डॉलर बराबर 1 रुपये ही होता था, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है फॉरेन रिजर्व का। एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो उसकी फॉरेन रिजर्व में उतनी ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, उसका फॉरेन रिजर्व उतना ही मजबूत होता है, जिससे उसकी देसी करेंसी भी मजबूत होती है। अदा दूसरे देश से अपने देश में चीज़ों को इंपोर्ट करता है जिससे उसकी उतना ही ज़्यादा फॉरेन रिजर्व उस देश में कम होता है, जिससे उस देश की करेंसी भी कम होती है। तो आज की डेट में भी यही चल रहा है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।